हजरात, हमने आज के टॉपिक पे जाने से पहले जरा सा मैं आप लोग को वक्त वक्त की तरफ लेके चलूं, क्या बेजा बेवजह की पाबंदियां और बेवजह की रोक टोक बच्चों को बागी और जिद्दी बना देती हैं। प्लीज देखिए आवाम ने क्या कहा और हम शुरू करेंगे उरूज के साथ कुछ बातें, इन्फॉर्मेशन, थेरेपीज और फिर बहुत सारी आवाम होगी हमारे साथ। प्लीज स्टे विद अस। जिनको जहाँ जरूरी है वहाँ रोका जाए, जो सही गलत है वो बताया जाए, और बार बार टोकने से जाहिर है कि बच्चा जिद्दी बन जाएगा। जिद्दी तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा रोक टोक करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए कि बच्चे को ओवर हो जाए कि भाई ये वो मुझसे प्यार नहीं करते, पेरेंट्स मुझे इतना अलाउ नहीं करते कि इन चीज़ों पर। बस इतना ही है कि भाई आप प्यार करो उनसे, प्यार से समझाओ बच्चों से, ताकि वो इजिली आपसे समझ, वो बात को भी समझ जाए, इतना भी रोक टोक नहीं करना चाहिए। हर बच्चे को बताना पड़ता है क्या करना है जिंदगी में, वरना वो बिल्कुल बदतमीज हो जाते हैं। सो आई थिंक एवरी पेरेंट्स नीड्स टू टेल देयर किड्स, एंड डांटना और डांटना तो पेरेंटिंग का एक पहलू है। अगर बिला वजह के रोकेंगे तो यू नो ऑब्वियसली नॉट गोना लाइक इट, और फिर वो लोग फिर तो ऑब्वियसली वो लोग फिर नहीं मानेंगे बात, और फिर वो लोग इस तरह की हरकतें करेंगे। तो जितना रोक टोक पाबंदी करेंगे, आजकल तो दुनिया बहुत तेज चल रही है, वो घर में नहीं करेंगे और बाहर जाके करेंगे वही चीज। तो अगर वो गाइडेंस मिले और उनकी बातों को माना जाए, वो बात उनकी वो बातें जिनसे कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो जिद जो है वो उनकी जो है वो पूरी कर देनी चाहिए, और वो जिद जिससे कि नुकसान पहुंचे उस बात पे उन्हें समझाए। मेरे ख्याल से जो है बच्चों पे जोर शोर का आजकल जमाना ही नहीं है। आज के जमाने के बच्चे, उनको फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। जितना उनके लिए आप उनको खुले माहौल में रखेंगे उतना उनका दिमाग खुलेगा, ना ही मुल्क के लिए इंटरनेशनली भी वो खिदमत कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, भलाई हो सकती है। मेरे नजर में खवातीन हज़रात, शुरू करते हैं उनके साथ, हमें कॉल कर सकते हैं 0800 तब ज्यादा पौधा है 0800 7622 पर कॉल कीजिए, इंटरनेशनल कॉल आसान नंबर 0092132708 45। ऐसे लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 7622 पे, बताइए कि बेजा बेवजह की जो बेजा पाबंदियां होती हैं अपने वालदेन की, एक सेकंड ट्रैक पर डालो, बेजा जो पाबंदियां होती हैं वालदेन की बच्चों को लेकर, उसमें आपने किसको बिगड़ते हुए देखा है, आपके सामने ऐसी कोई मिसाल है तो जरूर बताइएगा। उरूज जी आदाब, कैसी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको सेट आज? सेट में नया सेट लगाया है, लोग वेलडमेन पे देते हैं, चीजें लेके चले गए। हाँ सब चले गए, सब जब गए तो ऐसा लगा यहाँ पे ऐसे जर्मन फौजे गुजर के गई हूँ। हाँ जब पहले वो दरख्त था ना, तीन चार दरख्त हमने लगाए थे, वो माशाल्लाह एक ही दिन में बड़े हो गए। हाँ और मजेदार बात यह है कि उनके पत्ते प्लास्टिक के, ऐसा पौधा नहीं देखा है आपने? हमने मंगाया बहुत दूर से, मंगाया जैसे बहुत ज्यादा खाली 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 भर लिया है ना हम दोनों ने, हम वैसे ही आ जाए तो वैसे बढ़ जाता है। आज आपके हाथ को क्या हुआ? आज नहीं हुआ, ये 6 दिन हो गए हाथ को। आज देख रही हो, देख रहे हैं आप, ये आज देख रही है मेरा हाथ। वैसे तो दिखा नहीं रहे थे तो अभी देखने मारा है। हाँ पता ही नहीं चला तो मैं सीरियसली। हाँ नहीं, ये मेरा मसल रप्चर हुआ है, हल्का तो नहीं हुआ है कुछ, होता भी किसको पंच पड़ा है, किसको पंच पड़ा है ये तो मुझे भी नहीं पता। सब लोग कह रहे हैं अब तो बता दो, मैंने कहा भाई वो बताएगा जिसको पड़ा है। एनीवे कैसी है? ठीक है, ठीक ठाक। यार ये बताओ, पेरेंट्स की बेवजह रोक टोक से क्या बच्चे बागी या वाकई में जिद्दी हो जाते हैं? कॉलर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रुखसाना, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। जी मैं यही कहना चाह रही थी कि बच्चों की जो है ना फरमाइशें ऐसी होती हैं, हाँ। कि अगर पूरी करो तब भी मुश्किल है, नहीं पूरी करो तब भी मुश्किल है। अब उनकी फरमाइशें, लड़कों की फरमाइशें यही होती हैं कि मोबाइल दिला दें और अच्छा वाला मोबाइल होना चाहिए, वो 2-4 दिन में छिल जाए, उससे खत्म, फिर दोबारा दिलाओ, बाइक दिला दें, इंटरनेट लगा दें। ये बेसिक शिकायत हैं जो आपको सुनाई में जाए। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया आपको। अक्सर लोगों को हम तहाइफ भी देंगे लेकिन वो जरा से मोमेंट पे देंगे इंशाल्लाह, लेकिन क्या बच्चों पर बेजा रोक टोक सही है? अच्छा अब जो ये कॉलर ने कहा, उन्होंने तो कहा कि जो बच्चों की फरमाइशें होती हैं, दैट्स अनदर थिंग, बिल्कुल अलग टॉपिक है। अब जो माँ बाप की रोक टोक होती है वो बच्चों को बागी नहीं बना सकती, लेकिन फॉर अ मीन टाइम कहते हैं ना, कुछ अरसे के जब तक वो रियलाइजेशन के प्रोसेस में नहीं आते तब तक बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन है। हाँ ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब उसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड पूरी दुनिया है। ठीक है, अब अगेन उस दिन हम एक बच्चा हमारे साथ बैठा था, जब मैंने कहा 12 साल का बच्चा, इसको 12 साल की तरह ट्रीट करें आप लोग। सही है, ठीक है। अब बच्चा बच्चे की जो एज है उसी हिसाब से ट्रीट कर दे।
फॉर एग्जाम्पल 10 या 12 साल का बच्चा है, वो 10 या 12 साल का बच्चे का उसका दोस्त उसकी पूरी दुनिया है, उसको उसके दोस्त की अच्छाया बुराया नजर नहीं आएंगी, सिर्फ अच्छाया नजर आएंगी, चाहे बुराई भी कर रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी में कर रहा है या उस पर ये प्रेशर है या ये है, उस पर रीजनिंग होगी। तो अगर अपने बच्चों को आप डांट डपट के समझाएंगे कि नहीं तुम इससे नहीं मिला वो बुरा है, आप तो उस चीज को रियलाइज कर रहे हो, लेकिन आपका बच्चा नहीं कर रहा क्योंकि वो 12 साल का है, 15 साल का, 18 साल का है, ठीक है, उस प्रोसेस में रियलाइजेशन का आया ही नहीं है। हम इस चीज को जाने बिना माने बिना बच्चों को रोक टोक शुरू कर देता है। हाँ सर, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? कौन बात कर रही है, कहाँ से? ताहिर बात कर रही हूँ। मुझे ताहिर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू, गिफ्ट मिल गया था प्रेजेंटेशन का। आई एम सो स्वीट ऑफ यू, अल्लाह का शुक्र आपको तो हाइफ मिल गए जी। मिसेस ताहिर, ये आपने जब आपके पास रोजाना बताई थी तो हमने देखा ना कि आप कैसे अदब के साथ इनसे बात कर रही थी, इनसे बैठ के। आई स्वीट देखा, अक्सर देखा आपको। थैंक यू सो मच, बस ये मोहब्बत में मैं बैठ जाती हूँ। जी जी कहिए। अभी कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि सारे मॉर्निंग शोज ने यही करना शुरू कर दिया है। चलें अच्छा है, किसी को अदब का ख्याल तो आया, कोई बात नहीं। मैं तो मेरा अंदाज कुछ ऐसा ही है कि मैं अम्मा के साथ ही बैठ जाती हूँ नीचे बात करते करते, मैं घर में भी बैठ जाती हूँ, दोस्तों में बैठ जाती हूँ, तो मेरा है कि विद रिस्पेक्ट मैं नीचे बैठ जाती हूँ। अच्छा लगता है लेकिन अब ये फेक बहुत लग रहा है। अच्छा मेरा करना फेक लग रहा है? नहीं नहीं, अच्छा लोग जो कॉपी करते हैं ना वो मतलब पता चल जाता अलग से। हाय अल्लाह, नहीं मिसाल बस चले, अब आप आपको जो अच्छा लगे आप उसको देखें, आप उसको देखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको तोहफा मिल गया। थैंक यू सो मच मिसेस ताहिर। अब मैं कॉल लो, आपको विदाउट स्क्रीनिंग देखते तो कुछ फेक नहीं लगेगा। हाँ बाहर जगह पड़ी मिलती है। हाँ मैं इधर बैठी होती हूँ, इधर बैठी होती हूँ। उस दिन मेरी दोस्त छोटी भाई की शादी थी तो वो क्या कहते हैं, मैंने सेशन हो रहा था ना, दोनों का सेशन होता है, फोटो सेशन होता है, वो सुन भी रही होगी मैं फिजा इस वक्त, उसके ना बड़ा सा अम्ब्रेला लगा हुआ था फोटो सेशन का, ठीक है। अच्छा मुझे उनकी अम्मा ने कहा, आंटी ने कहा कि ना बेटा कमरे में दुल्हन के पास बहुत लोग तंग कर रहे हैं, तुम प्लीज ख्याल रखना। मैंने क्या किया, मैं नीचे साड़ी बैठी, साड़ी में एक बंदी हीलों में बैठी है, अम्ब्रेला के पीछे जाके बैठ गई, और एंट्रेंस होते हैं, किसी एंटर होते किसी को नहीं पता चल रहा कौन लड़की कहाँ बैठी है। अब मैं पीछे से आवाज दे रही हूँ, प्लीज रूम खाली करें, प्लीज रूम खाली करें, और सायरन बज रहा है, सायरन बज रहा है, कौन कहाँ से आवाज आ रही है, मेरी माया बैठी है नीचे। बिल्कुल माया अक्सर आप पीना नहीं, मस्त पलंग। अच्छा मैं जान, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, कि बच्चों को समझाने का वो कौन सा तरीका है जो उनके दिमाग को कंट्रोल में रखे, माँ बाप की जो बात है उनको जिद भी ना लगे, और बच्चों का जो बिहेवियर है वो माँ बाप उसको बर्दाश्त करने के बाद उसको हैंडल कर सके। यानी एक बेसिकली हम अक्सर माँ बाप चाहते हैं बच्चे का माइंड कंट्रोल करें। हाँ, जो सवाल भी है। बिल्कुल, आप किसी का माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बच्चा हो। हाँ, चाहे वो आपके वालदेन हो। बिल्कुल, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ। बिल्कुल, यू कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। हाँ, व्हाट यू कैन डू इज दिस, कि आप उस माइंड को डायरेक्शन दे सकते हो। दिस इज योर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ ये कि डायरेक्शन दे। यहाँ बेसिकली पाकिस्तान सोसाइटी जो हम कहेंगे, जो कहते हैं ना जिसकी फैमिली बहुत स्ट्रांग हम रखते हैं, क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होते हैं। हाँ, इसके अंदर ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम तो बच्चे के माइंड को कंट्रोल करें, ठीक है, पुप्पी कुछ ना कह दे, खाला कुछ ना कह दे, ये ना कह दे बदतमीज है बच्चा। हाँ, बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रो होने दे आप लोग, ठीक है। अगर आपको लगता है उसमें है बदतमीजी करने की टेंडेंसी है तो उस टेंडेंसी को कंट्रोल करें। अगर आप शुरू से बच्चे को सप्रेस कर देंगे तो वो उसकी सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाएगी, सोचने समझने की सलाहियत से उसकी मस्ती करने में कम नहीं होगी, पढ़ने में भी कम हो जाएगी, उसकी चीजों को डिसीजन लेने में भी कम हो जाएगी, लाइफ को फेस करने में भी कम हो जाएगी। तो अगर आप जितने भी नाजिन इस वक्त देख रहे हैं, अगर अपने बच्चों को आप शुरू से सप्रेस करना शुरू कर देंगे तो उसकी सलाहियत सिर्फ मस्ती हो, मतलब कहते हैं ना उसकी एक खामी कम नहीं होगी, उसकी छाया भी कम हो जाएंगी, की छाया भी कम हो जाएंगी। बिस्मिल्लाह जी, एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह करम मालिक का एहसान, फरमाइए सर। मैं आपने जो ये प्रोग्राम रखा है, आज के अच्छा जो मौजूद रखा है, जी जी, बच्चों के बिगड़ने पर, जी सर, मेरी नजर में ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा लेके चलनी चाहिए और उनके साथ दोस्ताना बहुत रखनी चाहिए जी। उससे ये है कि बच्चे जो बिगड़ते नहीं है, और अगर बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी कर भी जाए तो उनको दूसरों के सामने डांटना नहीं चलते। उनके क्या नहीं चलती सर? उन्हें बच्चों दूसरों के सामने नहीं डांटना चाहिए। नहीं डांटना चाहिए, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं 100%। तो फिर किस तरीके से हैंडल करना चाहिए सर? हमें उन्हें चंद अंदर करनी चाहिए कि उन्हें उस गलती को जो है वो चलते लहसार दिलाएं, लगातार मोहब्बत के साथ उनके दोस्ताना माहौल में, और उनके साथ खेलते भी रहे, कूदते भी रहे, और उनके हौसला से गाइड करते रहे कि बेटा आइंदा ये काम नहीं कीजिएगा। दूसरा जो है आपको ये आपको कहेगा कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज बच्चा है, यानी कि हाँ बड़ों के सामने करने से बच्चा और जिद्दी हो जाएगा, टिश्यू लाएगा बच्चा और जिद्दी हो जाता है।
वो जान बूझ के करता है, उसके अंदर जिद किया, ऐसा नहीं कहता मैं और करूंगा और मैं दलील कहता ना, आप देखिए आप। अच्छा अब वाला सीन है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी बात करने का। उन्होंने बताया कि बच्चों को प्यार मोहब्बत से लेके चलना चाहिए। अक्सर हमने हर जगह देखा, हर शो में लोग कहते हैं, हर जगह भी देखा हमने कि बच्चों को बस आप प्यार मोहब्बत से लेके चले, बच्चों को अब ज्यादा डांटे नहीं, कितना प्यार मोहब्बत बंदों को कभी सख्ती भी करनी पड़ती है। आप बच्चों को अगर आप देखिए अमेरिका वगैरह में, हम अगर इंटरनेशनल सिटीज की बात करें, जो वेस्टर्न कल्चर, हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, वेस्टर्न कल्चर के अंदर आप देखिए बच्चों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यू कैन नॉट इवन स्लैप योर किड, नहीं नहीं, वो तो पुलिस को बुलाने की धमकियां देते हैं, ठीक है, और आपको लिटरली यू आर इन द जेल, नहीं नहीं होता, ठीक है। इसी तरह उधर के बच्चे देखे अपने माँ बाप उतने ज्यादा तमीजदार नहीं, उतने ज्यादा ओबीडियंट नहीं है, सही। आप देखिए वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उसको टीचर ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनमें एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट। हमारे यहाँ अदब बहुत है, अदब बहुत है, हमारा जो सिस्टम है ना उसमें अदब बहुत है। ये है ना कि बच्चों को कहते हैं ना सोने का निवाला खिलाओ लेकिन शेर शेर से देखो, वेरी वेल सेड। आप बच्चों को सिर्फ फ्रेंडली होकर नहीं चल सकते हैं, ये मैं इस बात पे बिल्कुल अग्री, मैं भी नहीं करती कि आप बच्चों को सिर्फ नहीं, हाँ चलो बच्चों तुम्हें ये चाहिए, चलो तुम ले लो, तुम मेरी बेटी हो, तुम सिर्फ उसे बहुत प्यार करता हूं। हाँ तो हमारी तरबियत कैसे हुई है बेटा? हाँ। आपने एक जगह शेर की आंख भी रखनी है, हाँ। लेकिन आपने तमीज से भी प्यार से भी उसको रखना है, इसमें माँ बाप का दोनों का कैरेक्टर आता है, वन शुड बी अ बैड कॉप, वन शुड बी अ गुड कॉप, गुड कॉप, हाँ ये होता है, बैलेंस करना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अगर माँ वो कर रही है तो बाप और स्ट्रिक हो गया, और बाप स्ट्रिक है, उल्टा नहीं करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल माँ बहुत स्ट्रिक है घर के अंदर, आपके जो भी देख रहे हैं अगर आपके बच्चे हैं और आप प्रवेश के बारे में सोच रहे किस तरह करना चाहिए, तो पहला जो उसके अंदर पहला स्टेप ये है, अगर आपके घर में आप देखें दोनों की पर्सनैलिटी कैसे माँ बाप की, आपको अपनी पर्सनैलिटी पहले पता होनी चाहिए, खुद का आपका क्या है। मैं बड़ी सख्त स्टैंड करते हैं, फुप्पी इतनी पुप्पी खाला जी, मैं सब तू मैं आपको मैं ठंडी हो जाऊंगी बच्चे वैसे कॉलर भी लेके चलूंगी कॉलर लो, ये कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम माया, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? करम मालिक का एहसान आप फरमाएं, किन्नू खाएंगी? किन्नू ही आजकल खाए जा रहे हैं, घर घर में खाए जा रहे हैं, है ना, घर घर में खाए जा रहे हैं, मेरी तरफ से भी खा रहे हैं थोड़ा काली मिर्च नमक के साथ। वाह वाह, आपसे बात करना चाह रही हूं। वाह वाह वाह, कीजिए और उससे बात कीजिए प्लीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, ये आप पर सवाल है कि बच्चे बेजा पाबंदियों से वाकई ही बिगड़ जाते हैं या सफेद हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं बच्चे? सफेद हो जाते हैं, बेजा सप्रेस, हाँ सप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये मैंने देखा है कि बच्चों पे बेजा रोक दो, हाँ ना, उनकी अपने माहौल के मुताबिक बच्चों को समझाया जाए, बताया जाए, तो अगर एक नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, नहीं नहीं की लगता बच्चे को किस बात में बहुत ज्यादा नहीं नहीं करने से ना उनके नेचर में भी नहीं नहीं आ जाता है ना। हाँ जी, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप इस तरह आप परवरिश के अंदर सबसे उनका नंबर ले लीजिएगा। जो मेन आपकी जो कहते हैं ना कंटेंट है बच्चे को पालने के अंदर, वो है आपका लैंग्वेज पैटर्न, किस लैंग्वेज पैटर्न आपने कहा नहीं नहीं करना। हम उसी चीज पाते, अगर आपने बच्चों को कहा ये नहीं करो, टेंशन मत लो, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को कहते टेंशन मत लो, तो आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं को नहीं कर पाता, ये बहुत बहुत सारे कहते ना नेवर से नेवर ऑलवेज से ऑलवेज। अब देखिए ये बात मैं चाहती हूँ सारे जितने पेरेंट्स पर देख रहे हैं बात को नोट कर लें, कि आपका ब्रेन पेरेंट्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स स्टूडेंट जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव जो भी लोग देख रहे हैं, सब माँ बाप जो भी सब देख रहे हैं, वो एक चीज को नोट करें कि आपका ब्रेन नहीं को प्रोसेस नहीं कर सकता। योर माइंड डज नॉट वर्क इन वर्ड, इट वर्क इन इमेजेस, वो वर्ड में वर्क करता ही नहीं, काम इमेजेस में काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा माया टेंशन मत लें, तो वो मत को प्रोसेस नहीं करेगा, जब भी जिंदगी में आप टेंशन में रहे होगे अपनी जिंदगी में पास्ट में, तो वो एक पिक्चर टेंशन के लिए आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे से कहें तुम अपने दोस्त से ना मिलो, तो उसके नहीं मिलो, मत मिलो, तो मत को नहीं करेगा, उसके दिमाग में अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उसे कहें तुम एक काम करो, तुम अशफाक से ना मिलो, तुम रहीम से मिल लो, हाँ ठीक है, अशफाक मुझे नहीं पसंद, मुझे अशफाक ज्यादा पसंद है, मेरे अब्बू का नाम है, नहीं मुझे पसंद नहीं है, हाँ लेकिन अपने बच्चे को ऑप्शंस दें, गिव हिम ऑप्शंस, जब ऑप्शंस देंगे तो सेलेक्ट करने की सलाहियत आएगी। अगर आप उस पर एक चीज थोप देंगे तो कभी भी वो भी नहीं करेगा। ये है ना मेरी छोटी छुटकी, इसका नाम है गुल्ली, इसको मैं कहती हूँ रूह है ना, इसको भी मैं इसको मुझसे कभी मतलब माशाल्लाह मशवरा करती है, मुझे कभी ये नहीं कहती कि नहीं डोंट डू दिस और डू दैट, आई ऑलवेज ट्राई टू टेल हर कि यार इट इज गुड फॉर यू, यू शुड ऑलवेज एक्सपीरियंस, स्पेस जरूर करो, माँ बाप की तरफ से स्पेस जरूर आना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कीनू खाए बोल रही हूँ, फिर कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक माया, मैंने आपको बहुत